हेलो मैं बोल रही थी क्या? हाँ लड़की, जय जय। सो जल्दी जल्दी मैं तैयारियां कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। देख सकते हैं आप, पति साहब को 9 बजने वाले, 9:25 आ जाएंगे। पूजा की सारी सारा सामान यहाँ मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये दूध है, चनामृत के लिए पूरा पूजा का सामान है। ये बाबू मालिश करा के आराम से लेटा हुआ है। अभी बाबू को मैं नहला के रेडी करूँगी दोस्तों। और क्या क्या तैयारी की हूँ जल्दी से आपको फटाफट दिखाती हूँ, फटाफट दिखाऊंगी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे अभी नहा के रेडी होना है ना, और साड़ी पहनना है तो साड़ी में टाइम लगेगा। इधर बन रहा है पनीर, मैं आपको दिखाई देती हूँ। पंडित जी आएंगे ना तो पूजा कराएंगे, तो उनको खाना मैं खिलाऊंगी, इसलिए बना रही हूँ पनीर। कैसे करूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा है, पूरा ग्रेवी है। बनने के बाद दिखा दूँगी। इसमें बन रहा है पुलाव, ये बन चुकी है मेरी सिवैयाँ, देख सकते हैं आप लोग। और बस आटा वाटा गूंथ के रखा गया है, बस पंडित जी जब खाने बैठेंगे तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलूंगी और पंडित जी को खिलाऊंगी। सो ये किचन का पूरा सब कुछ बन चुका है मेरा। ये मैंने फ्रूट्स वगैरह धुल दिए हैं पूजा में प्रसाद के लिए, मीठा उठा सब मंगा लिया है। और आज मैंने अपने मंदिर की भी फाइनली आज क्लीनिंग की है, पूरा मंदिर वापस सजाया है, क्योंकि अब आज से पूजा वगैरह सब शुरू करूँगी मैं करना। सो मंदिर को सजा लिया। अभी नहा के सबसे पहले मैं अपने मंदिर में पूजा करूँगी, उसके बाद कथा में और द्रवशीत में बैठूँगी। सो सर आज पहनेंगे ये रेड कुर्ता, अब नीचे कुछ कंफर्टेबल पहनेंगे बिकॉज लोअर वगैरह, इसलिए क्योंकि पैजामा थोड़ा टाइट होता है, काफ़ी देर तक बैठना है तो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे सर, तो इसलिए कुर्ता के नीचे कुछ लोअर ओवर कुछ पहनेंगे। और यहाँ बैठा के पंडित जी को खिलाऊंगी मैं खाना। सो मैं क्या पहनूंगी तो वो मैं अब पहन वहन के ही कि मैं क्या पहनूंगी वो सीधा आपको रेडी होकर तब दिखाती हूँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ सीधा नहावा के रेडी वेडी होकर तब आप लोग से मिलूँ, ये तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब बोल रही हूँ ना तो यहाँ दर्द हो रहा है, 2 दिन बाद फिर से जाना है। अभी उसको गैप किया उसका, 2 दिन के बाद वो फिल होगा, अभी भी पेन है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस मिलते हैं हम नहा वहाँ के रेडी वेडी होकर, बाबू को रेडी करने के बाद चलिए। सो फाइनली 10 बज गए हैं और पूजा की तैयारी हो चुकी हूँ फ्रेंड्स, और मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोग को जल्दी से फटाफट अपना लुक दिखाती हूँ, बाबू को दिखाती हूँ, उसके बाद सीधा चलती हूँ मैं पूजा में। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। सो नीचे से देखिए, ये मैंने आज साड़ी पहनी है। सो ये मेरा आज का लुक है। सो ये आज थोड़ा सा मेकअप मैंने किया है, थोड़ा देखते तो मैं कैसी लग रही हूँ। पूजा के लिए बिल्कुल रेडी हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए। अब इसके ऊपर लाल चुन्नी भी लेना है ना, क्योंकि वो सर के साथ वो बांधना है ना पल्लू, तो लाल चुन्नी इसके ऊपर लूँगी। सो पहले तो आपको बता दूँ कि जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। देखिए मैं झूठ कुछ नहीं बोलती हूँ, सब कुछ रियल और सही बताती हूँ ब्लॉग में। ये मम्मी की साड़ी मैं कल लेके आई जल्दीबाजी में। एक्चुअली ये जो पूजा डिसाइड हुआ है, ये कल ही डिसाइड हुआ कि आज पूजा करानी है, क्योंकि सर को छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरी तबीयत 2 महीने से बहुत ख़राब चल रही थी। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा लगे हाथ बाबू का अभी तक सत्यनारायण की कथा भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इस लगे हाथ सत्यनारायण कथा और अभिषेक दोनों हो जाएगा, सावन का महीना भी चल रहा है। तो चूंकि जल्दीबाजी में डिसाइड हुआ, तो मेरी जो सारी साड़ियाँ हो रही हैं सब ब्रीफ केस में पैक्ड हैं। अब मैं येलो साड़ी मतलब इतना जल्दीबाजी में ढूंढ भी नहीं पाती, कोई हेल्प भी नहीं था मेरे लिए, कोई हेल्प करने के लिए भी। तो मैं गई कल मम्मी से ले आई उनकी साड़ी, फटाफट पहन लिया। हालांकि ब्लाउज थोड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन ठीक है काम चल जाएगा। तो बस काम चल गया है मेरा, तो इसलिए मम्मी की साड़ी मैंने पहनी है। कैसी लग रही हूँ आप कमेंट करके बकायदा बता दीजिएगा। पैर वगैरह भी रंग चुकी हूँ, और अब बाबू से आपको मिला दूँ जरा। बाबू भी रेडी है, बाबू को दिखाती हूँ जरा। ये देखिए, ये साहबजादे कुर्ता पैजामा पहन के आराम से अपने पालने में लेटे हुए हैं, देख लीजिए। इन्होंने आज 15 अगस्त भी है तो इसलिए, और कथा में इनको रहना है तो इसलिए कुर्ता पैजामा पहना है। तो बस बाबू को लेके अब मैं ऊपर चलूँगी, मैं तो ऊपर लेके नहीं जाऊँगी बाबू को, सर लेके जाएंगे, कथा ऊपर हो रहा है। सो बस अब सर भी रेडी हो जाए। सर कुर्ता पैजामा नहीं पहन रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इतनी देर तक बैठना है, मैं कुर्ता पैजामा में कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। तो टी शर्ट और हाफ पैंट में सर पहनेंगे और पूजा में बैठेंगे। देखो कुछ भी कपड़ा कुछ भी पहनो, कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं अपना येलो साड़ी पहन ली, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में येलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सर के लिए मैंने येलो रुमाल ले लिया है, सर पे रख लेंगे सर। और बाबू तो आप देख ही रहे हैं तैयार हो ही गया है, तो बस लेके अब सीधा आप लोगों से मिलती हूँ पूजा में, ठीक है। और मेरा भाई आएगा छोटा वाला, सो वो शूट कर देगा वीडियो भी और बाबू को भी थोड़ा संभाल लेगा। तो चलिए मिलते हैं सीधा पूजा में। शानवी स्कूल गई है, स्कूल से आएगी सीधा पूजा में। चलिए बाय।
सर भी स्कूल से आ चुके हैं, ऑरेंज ड्रेस पहन के गए थे, बस सर ऊपर टी शर्ट यही पहनेंगे, नीचे बस हाफ पैंट पहन लेंगे, और हम लोग पूजा में अब आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। चलो पूजा में मिलते हैं, अभी भी काम पे ही लगे हैं, सारा सारा तैयारी इन्हीं को करना है, सब कुछ इन्हीं को देखना रहता है, A to Z। चलिए पूजा मिलते हैं। नाम पता नहीं तो पीपल की वृक्ष मेरे घर के पास है, मंदिर नहीं है मेरे यहाँ, शिव मंदिर जो मेरे शॉर्ट वहाँ पे पहुँचा, ठीक है पंडित जी बैठे हैं। मतलब आपके अनुसार स्वास्थ्य के लिए देखिए बहुत दिक्कत है, स्वास्थ्य तो 2 महीने से बहुत झेल रहा हूं, मतलब समझिए 2 महीने से कि गंगा जी मंगाइए सबसे बेस्ट, एक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अच्छा लक्ष्मी तो भगवान जितना दे रहे हम लोग खुश हैं, बहुत लालच से हो गया रेडी, बाएं हाथ पे छत रखिए आप, इससे निकाल दो, नहीं नहीं हाथ से निकाल दो। तावली गोपास्त्रो परिवेष्टितो विजयते गोपाले चू, ओके शिवजी इष्ट देव कौन है हम लोग के? शिवजी बोले ना, आपके कोई इष्ट देव होंगे ना, आप अपने मानते हैं ना किसी इष्ट देव? मम्मी हम लोग इष्ट देव कौन है? आप जिस भगवान मानते मान करिए ना, बोलेनाथ मतलब मम्मी कौन से भगवान को माना जाता है यहाँ घर पे? भोलेनाथ ना, मैं भाई भोलेनाथ नहीं, नहीं अपना कोई अलग से, अपना जो अपने मेन होते हैं सबका एक इष्ट देव होते हैं, तो आपके भी कोई अलग इष्ट देव, अपना घर का कोई इष्ट देव होंगे, जैसे हम लोग क्या दुर्गा जी, हम लोग क्या दुर्गा जी है ना पंडित जी, देवी माँ। चलिए ओम मस्तानी लतालारंजन हे हरमयादा परमेश्वर परमेश्वरी ओम पूर्वश्री सांबदासवाणी चिकित्सिका ध्यानवर ओम मस्तानी सुभूतिमंडारो वरापनम आर्यम सुपदे मातुमागम्य सात्यानी पूजयामि ओम पूर्वश्री परिसंचापनामगरी मामसात्यवादि खाए तो होंगे नहीं, हम इतना नाश्ता किए चलते नहीं है। अच्छा और खाइए, ठीक बना है ना, तेजी है थोड़ा बस। अच्छा कहीं और भी कराना है क्या आज? अच्छा आज छुट्टी है तो लोग करवा रहे होंगे, मेरा पौधे दो हो गया है, अब उनको मैं मुझे टाइम देते बजे यहीं के कहीं बच गया। अच्छा जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज किया मैंने, क्योंकि मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा था, एक रूम में भाई खा रहा है, एक रूम में पंडित जी, चावल भी है, बस चावल लाऊं, चावल लाऊं, एक और फूल ले लो, नहीं ये लेते जाओ पानी देना ठंडा, सेवन लेते जाऊं, अच्छा यार खा लो, ठीक है ला रही पानी ला रही, आ गई बाबू लो, मैं बोल रही थी क्या? वो तो लो 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 चलो
समझ फेंक दी क्या हुआ? देख क्या समझ बताओ साफ उसको सब फेंक दिया। अपना सस्ता वाला ले लो, थोड़ा और सस्ता वाला ले लो, उसको काट दो। ये देखो, देख लो। उसके बाद एक और चीज है, कैसा है, कैसा लगा मुझे? अभी तो शुरुआत है देने का।